वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। आज हम एक और वैकेंसी जो कि आपका ओएसएससी के द्वारा निकाला गया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको बताया जाएगा कि वैकेंसी क्या है, आप लोग इसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए आपका एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और ये जो एग्जाम होगा, ये जो जॉब है उसका एग्जाम कौन कौन सा पैटर्न में होगा, ए टू जेड आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा किस प्रकार से बानिक आपको हेल्प कर सकता है इस जॉब को क्लिक करने में। ये जो वैकेंसी निकला है, ये निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। ओके, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट निकला है एज इनिशियल अंडर इनिशियल ट्रेनिज अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। डिफरेंट हेड जो आपका ओडिशा डिपार्टमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर में आपका जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट सब निकाला गया है बाय द ओएसएससी, यानी कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पोस्ट सब निकाला गया है। देखिए, जो टोटल पोस्ट निकला है, टोटल जो वैकेंसी निकला है वो निकला है, याद रखिएगा, 140 पोस्ट के लिए। क्लियर, जो टोटल वैकेंसी निकला है वो कितने पोस्ट के लिए निकला है, तो वो निकला है आपका, याद रखिएगा, 140 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है, जिसमें से अगर कैटेगराइज वाइज कर दिया जाए, जनरल ओबीसी एसएसटी कर दिया जाए, तो इसमें से याद रखिएगा 71 पोस्ट जो है वो आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए बुक किया गया है। ओके, 71 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए किया गया है, जिसमें से महिलाओं के लिए 24 सीट को क्या किया गया है, आपका रिजर्व किया गया है। वहीं अगर एससीबीसी का बात किया जाए तो एससीबीसी का 16 पोस्ट है महिलाओं के लिए, इसमें से 5 पोस्ट को रिजर्व किया गया है। एससी कैंडिडेट के लिए याद रखिएगा 23 पोस्ट रिजर्व किया गया है, जिसमें से महिलाओं के लिए 6 पोस्ट रिजर्व किया गया है, और जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए टोटल 30 पोस्ट है, जिसमें से वोमेन के लिए 10 पोस्ट को रिजर्व किया गया है। अगर हम लोग बात किया जाए इसके बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन कौन से एज आपका एजुकेशन के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो नॉर्मल होगा कैंडिडेट शुड पोजेस डिग्री विथ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स विथ कंप्यूटर नॉलेज। यानी आपका क्या होना चाहिए, सिंपली डिग्री होना चाहिए, आप लोग सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपका कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्लियर, तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर और डिटेल देखा जाए इस पोस्ट के बारे में, देखिए, एप्लीकेशन फीस, ओके, ओएसएससी आपके लिए चार्ज कर रहा है, बाकी जितने भी हैं एससी एसटी को छोड़ देने के बाद, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी छोड़ देने के बाद, बाकी जितने भी बचे, यानी कि जनरल कैंडिडेट हो गए, आपके ओबीसी हो गए उनके लिए, महिलाएं हो गई उनके लिए, जो टोटल चार्ज किया जा रहा है एप्लीकेशन फी वो है आपका, याद रखिएगा, 200 रुपए का एप्लीकेशन फी चार्ज कर रहा है आपका ओएसएससी। और अगर देखा जाए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए तो नील है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर बात किया जाए कब से अब इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22/12/2021 से। क्लियर, 22/12/2021 से आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है, याद रखिएगा, 31/1/2022, यानी जनवरी का 31 तारीख इसका क्या है, लास्ट डेट है। और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट का वो है, याद रखिएगा, 24/1/2022 जो है वो आपका लास्ट डेट है आपका पेमेंट का। कितना रुपया, ये 200 रुपया आपको याद रखिएगा, 200 रुपया है फॉर अदर्स, यानी कि आप यहां पे लिख दे रहा हूं, जनरल कैंडिडेट हो गए आपके, वोमेन हो गई आपकी, ओबीसी हो गया, ये लोगों के लिए कितना रुपया चार्ज लिया जा रहा है, तो 200 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। अगर बात किया जाए और इसके बारे में, तो इसका कौन कौन सा स्टेज होगा, तो देखिए, स्टेज का अगर बात किया जाए एग्जाम के, तो यहां पर आपका 4 स्टेज होगा। क्लियर, आपका जो होगा 4 स्टेज होगा, पहला होगा आपका प्रीलिम एग्जाम। पहला कौन सा होगा आपका, प्रीलिम एग्जाम, जो कि याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस 100 मार्क का, जिसका टाइम है याद रखिएगा 1.5 घंटा। ओके, जनरल अवेयरनेस से पूछेगा, टाइम है इसका जो टोटल टाइम रहेगा 1.5 घंटा का रहेगा, टोटल मार्क आएगा आपका 100 मार्क का आएगा। उसके बाद हो गया आपका मेन रिटन एग्जाम। मेन रिटन एग्जाम में याद रखिएगा आपको 4 पेपर ये पूछेगा, एक हो गया आपका लैंग्वेज टेस्ट में आपको पूछेगा वो इंग्लिश एंड उड़िया के बारे में, 100 मार्क का रहेगा, टाइम रहेगा आपका 2 घंटा। पेपर 2 में आ जाएगा आपका जीके, 100 मार्क का रहेगा, टाइम रहेगा आपका 1 घंटा। पेपर 3 में आ जाएगा आपका मैथमेटिक्स 100 मार्क का, और बेसिक कंप्यूटर स्किल 100 मार्क का, दोनों का टाइम रहेगा आपका 3 घंटा। ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न हो गया। उसके बाद हो गया आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट। अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई हो गया, मेन क्वालिफाई हो गया, तो आपसे लेगा क्या लेगा वो, कंप्यूटर स्किल टेस्ट।
तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में याद देखिएगा टोटल रहेगा, याद देखिएगा 50 मार्क, टाइम रहेगा आपका एक घंटा, टाइम रहेगा कितना एक घंटा, और फाइनल जो हो गया वो हो गया आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो फाइनल जो स्टेज रहेगा आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस जॉब को इस स्टेज से सब गुजर सकते हो। अगर इसके पे स्केल की बात किया जाए, सैलरी का बात किया जाए, तो याद रखिएगा इसका जो सैलरी है वो है आपका, याद रखिएगा 19,900 से लेकर आपका 63,200, दैट इज द बेसिक पे। ओके, 19,900 से लेकर आपका 63,200 क्या है, इसका बेसिक पे है। क्लियर? तो आप लोग सोच सकते हो इसके बाद अलाउंसेस बहुत सारे हैं, ये खाली बेसिक पे का बात किया जा रहा है आपका। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, इसको अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हो, लिंक क्या है, तो लिंक है याद रखिएगा www.ossc.gov.in। ओके, ossc.gov.in में आप लोग जाके क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि आपको बानिक इसमें किस प्रकार से हेल्प करेगा। तो देखिए, बानिक इसके लिए आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो बानिक इसके लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है याद देखिएगा ऑफलाइन क्लासेस। वी आर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लासेस फॉर दिस, वी आर प्रोवाइडिंग। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हो, वर्किंग पीपुल हो, तो आप लोग क्या ले सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हो। आप लोग इसके लिए स्टडी मेटेरियल ले सकते हो बानिक से, आप लोग इसके लिए पब्लिकेशन बुक ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जो कि बानिक के रिनॉर्ड फैकल्टी जिनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, उनके द्वारा बनाया गया ये बुक है। क्लियर? और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट पैनल बैठ के क्या कर रहा है, आपका टेस्ट सीरीज बना रहा है, तो ये भी आपको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी जाता है, क्लियर, अगर आपका कुछ भी क्या आ रहा है, क्वेरी जा रहा है, तो आप लोग हमारे नेशनल हेल्पलाइन नंबर 8338050077 में हमको कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो 8093556677 में। ये हमारा क्या है, हेल्पलाइन नंबर में यहां पे लिख दे रहा हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तो देखिए, हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो है, याद रखिए, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपका 8338050077। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है ये आपका 8338050077। या फिर हम आप लोग हमको क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो व्हाट्सएप के लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है, याद रखिएगा 8093556677। ओके, 8093556677। या फिर आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो। ओके, आप हमारे क्या कर सकते हो, वेबसाइट में जा सकते हो। हमारा वेबसाइट है www.banikbbsr@gmail.com, www.banikbbsr@gmail.com। या फिर आप हमारे साइट, सॉरी, ये आपका मेल आईडी है banikbbsr@gmail.com, और वहीं हमारा जो आप लोग साइट में जा सकते हो, तो वो है, याद रखिएगा www.banik.org। क्लियर? तो ये कुछ आपका बताया गया आपको। हमारा फेसबुक पेज भी है, अगर आप लोग चाहो तो हमारे फेसबुक में भी पेज में भी आप लोग जा सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट वीडियोज, आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स, स्टडी मटेरियल आपको हमारे बानिक के फेसबुक पेज में भी आपको मिल जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट द वैकेंसी व्हिच वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यू कैन से दैट व्हाट, जूनियर असिस्टेंट। डेट याद रखिएगा, डेट है याद रखिएगा अप्लाई करने का 22/12/2021, लास्ट डेट है आपका 31/1/2022, और साइट है www.ossc.gov.in। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट फॉर द पोस्ट ऑफ योर ओएसएससी जूनियर असिस्टेंट। थैंक यू सो मच।